यहाँ पे स्टार्ट होने वाला चंपारण रॉयल हंडी हाउस का स्पेशल, जो चंपारण मटन है उसके अभी मैरिनेशन होने वाले। तो ये देख सकते, ये है मैरिनेशन मसाले इनके। सर ये कितने हो गए मसाले अभी? ये कम से कम 40 से 45 मसाले। 40 से 45 मसाले जी। चंपारण मटन, क्या बात है। अब सब इसको मिक्स करेंगे। इसमें आप देख सकते हो इसमें अखा लहसुन भी जाएगा। इनका जो चंपारण मटन का मटन देख सकते हो, ये रॉ मटन। आप अगर साइज भी देखोगे तो ये थोड़ी जो कटिंग होते है इसमें, गर्दन मांडी चाप ये स्पेशली लोग डिमांड करते हैं। और अराउंड 1 kg का ये पूरा मटन है सर। ओके, 1 kg जो हंडी बनती है 1 kg में पूरा बनता है, और 1 kg इसमें पूरा जाएगा। और वो 2 से 2.5 घंटा ये इसमें अनकुक कुक होगा, फिर उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मतलब मटन ही 1 kg जाएगा इसमें। यस सर, ये जो मटन है ये पूरा, वेट कर लीजिए आप, ये पूरा 1 kg का मटन है। मटन देख सकते हो, पीस की क्वांटिटी देख सकते हो, उसकी साइज भी आप देख सकते हो। जो ऑयल डाला है वो उसको अभी पूरा मिक्स करेंगे, जो पूरा जो मटके उसके पूरे साइड में आ जाएगा। मटन है वो अभी इसमें जाएगा, देख सकते हो आप, क्या बात है। पूरा 1 kg मटन उसके साथ उसके जो मसाले उसमें जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, क्या बात है। अभी इसको पूरा पैक करेंगे। ये ऊपर से है आटा और ऊपर से है ढक्कन, क्या बात है। अब इसको पूरा पैक करेंगे और ये हंडी गई कोयले पे ऊपर, क्या बात है। तो ये पकना शुरू हो गया है, ये जो देख सकते हो ये स्लो कुकिंग प्रोसेस है, क्या बात है। चंपारण द रॉयल हंडी हाउस में यहाँ पे मटन और चिकन मिलता है, जो देख सकते हो ये है मटके में बनता है। तो सर ये जो चंपारण है इसकी कंसेप्ट क्या है? ये जो चंपारण है सर, ये पटना बिहार का ये बहुत ही फेमस डिश है, जो नासिक में पहली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अशोका मार्ग रविशंकर मार्ग यहाँ पे। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है मटन जो कि हंडी में से निकलेगा, और यहाँ पे उसको अभी तड़का देंगे, क्या बात, क्या बढ़िया लग रहा है देख सकते हो आप। मटन रेडी हो गया है, ये आएगा प्लेट में, क्या बढ़िया लग रहा है देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ये चंपारण द रॉयल हंडी हाउस का मटन, चंपारण मटन है जो देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है। चलो इसको टेस्ट करते हैं, चंपारण मटन भाई लाजवाब है, इसकी टेस्ट का मुकाबला कर ही नहीं सकते, इतना बढ़िया है। चंपारण द रॉयल हंडी हाउस, रविशंकर मार्ग, प्रभु बिजनेस सेंटर जो आएगा नासिक में।